बीपीएससी द्वारा जो आयोजित एग्ज़ाम था एडवर्टीजमेंट नंबर 119 बीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था जो मार्च 2022 में आयोजित हुआ था, उसी का ये पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का। पेपर सिक्स है सिविल इंजीनियरिंग का, उसको बी का देखा जाए तो इसमें अगर इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज, ताकि आगे वाला जो एग्ज़ाम है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम मेरा अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 3/20 और 7/20 जो दो एग्ज़ाम बचा हुआ बीपीएससी का, उससे इसमें फ़ायदा हो सके इसका पेपर से, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मैंने अगर क्वेश्चन प्रीवियस का देखा जाए, नए हैं उसके लिए, जो पेपर होता है उसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 आवर इसमें टाइम दिया जाता है, टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, मीन्स 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसलिए टोटल 100 मार्क्स आता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीपीएससी के एग्ज़ाम में यही है इसका इंस्ट्रक्शन में, कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, मीन्स नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। तो हम लोग 50 का 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं इसमें विदाउट एनी रिक्स, इसमें कोई रिक्स नहीं है अटैम्प्ट करने में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो पेन यूज करना रहता है उसमें हम ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करना रहता है, तो सिर्फ ब्लैक या ब्लू कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें, और इसमें कोई इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है और ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करना, जो इंपॉर्टेंट इसका इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, पेपर सिक्स का ही है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द हॉस वाटर कनेक्शन, जो हॉस वाटर कनेक्शन होता है, वाटर कनेक्शन जो हॉस में होता है उसमें सीक्वेंस पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस मेरा सही होगा। तो वाटर मीटर सबसे लास्ट में लगाया जाता है, जो भी हॉस कनेक्शन जो वाटर का होता है सबसे एंड में जो होता है वो क्या लगाया जाता है, तो वाटर मीटर लगाया जाता है सबसे एंड में। इससे भी पकड़ सकते हैं सबसे एंड में मेरा वाटर मीटर किस में है, और ऑप्शन देखा जाए तो सिर्फ एक ही में दिखा रहा है कि मेरा वाटर मीटर जो है सबसे एंड में है। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि मीटर वाटर मीटर होता है, जब भी लगता है मीटर तो एंड में लगता है, ना कि स्टार्टिंग में, तो यहाँ से कह सकते हैं मेरा फर्स्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है द मास कर्व मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर यूज, जो मास कर्व मेथड होता है किसके लिए होता है यूज, तो स्टोरेज कैपेसिटी रिजर्वायर का निकालने के लिए, तो किस पे बेस्ड होता है वो निकाल रहा है, ऑप्शन देखते हैं इसमें। द मास कर्व मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर इज यूज, इसमें यूज होता है सेंसस डाटा में नहीं, कैश फ्लो डाटा एंड वाटर फ्लो, नहीं कैश फ्लो में नहीं होता, वाटर इनफ्लो एंड डिमांड डाटा, जो वाटर इसको यूज कर सकते हैं मास कर्व को किसमें, वाटर इनफ्लो डाटा में और वाटर डिमांड में, दैट इज सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एम्पिरिकल फार्मूला नेम फॉर कंप्यूटिंग, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एम्पिरिकल, इसमें से कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला जो रॉन्ग है किसको निकालने के लिए, पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज निकालने का जो फार्मूला है पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज, इसमें से कौन नहीं होता है वो पूछ रहा। तो अगर देखा जाए तो डिकन रेवी फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्चार्ज का ही फार्मूला है, क्या होता है सी डी ए रेवी है ना, रेवी फार्मूला 2/3 हो जाएगा, डिकन में क्या होता है सी डी और ए का जो पावर होता है वो कितना हो जाता है, वो 3/4 हो जाता है, 3/4, तो ये दोनों तो कन्फर्म है। इसके अलावा जो नवाब जंग बहादुर फार्मूला भी जो होता है और डिस्चार्ज निकालने के लिए होता है, पीक डिस्चार्ज निकालने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये जो होगा हम लोग को डिस्चार्ज निकालने का ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, तो इस तरह से इसको आंसर हो जाएगा ये, जो कि एम्पिरिकल के लिए नहीं था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लो वेलोसिटी, इसमें से कौन सा जो फार्मूला दिया हुआ है वो फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं है वो पूछ रहा। तो हम लोग अगर देखा जाए तो हॉटन फार्मूला क्या होता है, हॉटन फार्मूला का अगर देखा जाए तो इसको निकालते हैं क्या, हॉटन फार्मूला हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने के लिए यूज होता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है उसको हॉटन इक्वेशन कहते हैं, हॉटन फार्मूला कहते हैं। एफ टी बराबर क्या हो जाता है, एफ सी टी प्लस एफ इनिशियल माइनस एफ और करके कुछ फार्मूला था के इंटू टी, तो ये जो फार्मूला था किसके लिए था, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए, लेकिन इसमें पूछ रहा था क्या, इसमें जो कोण है वो वेलोसिटी के लिए नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉटन इक्वेशन किसके लिए था, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने के लिए फार्मूला था, तो ये मेरा वेलोसिटी नहीं है। कटर फार्मूला जानता है वेलोसिटी के लिए है, और क्रीम बर्गर्स फार्मूला जो है वो भी वेलोसिटी निकालने के लिए, और कटर फार्मूला वेलोसिटी निकालने के लिए।
हार्ट एंड इक्वेशन किस में होता है यूज, थॉट एंड इक्वेशन यूज होता है मेरा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ पूछ रहा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर में ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन करेक्ट है ऑप्शन, इसमें से ए दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले पी और क्यू। पी क्या दिया हुआ है, ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए बेड ऑफ क्रस्ट स्टोन ग्रेवल और स्लैग ऑफ रिलेटिवली लार्ज। जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है एक एरोबिक टाइप का फिल्टर होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है एक एरोबिक प्रोसेस से गुजरता है, तो इसमें जो बेड जो होता है वो क्रस्ट स्टोन रहता है और ग्रेवल स्लैग रहता है, ये रिलेटिवली लार्ज मतलब बेड में जो होता है वो लार्ज रहता है अकॉर्डिंग टू टॉप। तो ये सही है मेरा। एज सीवेज पासिस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर एन ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म अराउंड द पार्टिकल ऑफ फिल्टरिंग मीडिया। एक ऑर्गेनिक फिल्म बन जाता है ऑर्गेनिक पार्टिकल के अक्रॉस में, तो उसको जो सीवेज पास कर रहे हैं जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर से, तो बोल रहा है कि एक फिल्म बन जाता है कहाँ पे, फॉर्म अराउंड द पार्टिकल ऑफ जो पार्टिकल है वो भी सैंड पार्टिकल या स्टोन पार्टिकल हो गया, उसके अकॉर्डिंग एक फिल्म बन जाता है जब हम सीवेज पास करता है। तो जो ऑर्गेनिक प्रोसेस अभी देखे थे ये एरोबिक प्रोसेस होता है, तो ये भी सही है एक फिल्म बन जाता है, और ग्रेवल जो होता है जो स्टोन होता है वो अभी लार्ज रहता है किसमें बेड में, तो ये भी सही है। तो इस तरह से मेरा पी भी सही है और क्यू भी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, पी इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। नहीं, पी इज बोथ आर करेक्ट, दैट इज बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से पूछ रहा है कौन सही है और कौन गलत है। द टू चेम्बर सेप्टिक टैंक सही है। द फर्स्ट चेम्बर इज, जो फर्स्ट चेम्बर रहता है टू चेम्बर सेप्टिक टैंक जो होता है, मुझे जानते हैं कि टू चेम्बर सेप्टिक टैंक होता है तो फर्स्ट टैंक जो होता है वो स्टोरेज होता है या फिर सेटलमेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो सेप्टिक टैंक। द फर्स्ट चेम्बर इज ग्रीड चेम्बर। फर्स्ट चेम्बर क्या बोला, ग्रीड चेम्बर, एंड सेकंड चेम्बर इज एन ऑरबिक चेम्बर। हम लोग जानते हैं कि अगर सेप्टिक टैंक देखा जाए दो चेम्बर होता है, एक में सेटलिंग होता है एक में सेडिमेंटेशन होता है, एक में सेटलिंग होता है या सेटलमेंट होता है, दूसरा में सेडिमेंटेशन होता है, एक में सेडिमेंटेशन और दूसरा में सेटलमेंट। तो इस तरह से दो चेम्बर का होता है, तो ये मेरा फर्स्ट ग्रीड चेम्बर होता है और दूसरा जो होता है एनऑरबिक चेम्बर होता है, तो ये सही हो गया। टू चेम्बर टाइप का होता था, ये गलत हो गया। मॉडर्न सेप्टिक टैंक प्रोसेस ए सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी। जो मॉडर्न सेप्टिक टैंक है क्या वो सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी उसमें हो जाता है, ये भी नहीं है। एग्जैक्ट जो हो गया मेरा टू चेम्बर होता है, और फर्स्ट चेम्बर जो होता है वो ग्रिड चेम्बर होता है, और सेकंड जो होता है वो अनएरोबिक प्रोसेस होता है, अनएरोबिक चेम्बर भी उसको बोल सकते हैं। एक होता है एरोबिक प्रोसेस, दो चेम्बर उसमें होता है सेप्टिक टैंक में, ऊपर वाला को हम लोग एरोबिक बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग अनएरोबिक बोलते हैं। दो चेम्बर होता है, इसी को हम लोग ग्रिड चेम्बर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको इनएरोबिक अनएरोबिक चेम्बर भी इसको बोलते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए कंक्रीट ग्रेविटी डैम। एलिमेंट्री प्रोफाइल जो होता है ग्रेविटी डैम का वो क्या होता है, एलिमेंट्री प्रोफाइल इस तरह से बनता है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है जो सेल्फ बेट इसमें सिर्फ एक्ट होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा जो सिर्फ सेल्फ बेट इसमें एक्ट करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ए कलवर्ट। कलवर्ट क्या है उसका डेफिनेशन पूछ रहा है, व्हाट इज कलवर्ट। तो कलवर्ट होता है कि जब ब्रिज का जो स्पैन होगा अप टू 10 मीटर 3 मीटर स्पैन तक के, अगर किसी ब्रिज का स्पैन है स्मॉल स्पैन होता है ब्रिज का, या फिर इससे ऊपर से रोड बन जाए, इसी को हम लोग कलवर्ट कहते हैं। इसके ऊपर से ब्रिज या रोड पास करता है, और जो नीचे जो टनल टाइप का हो या वाटर पासिस करने के लिए जो बना हुआ था सीवर, उसका जो स्पैन अगर 3 मीटर से ज़्यादा हो जाए, अप टू थ्री मीटर हो, तो उसको हम लोग कलवर्ट कहते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ब्रिज अप टू स्पैन कलवर्ट 3 मीटर। नेक्स्ट है ए वियर इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। वियर क्या पूछ रहा है, वियर इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वियर मेजोरिटी और द एंटायर पॉन्डिंग इज अचीव्ड बाय द राइट क्रिएस्ट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द नेल पार्ट बाय द शटर। कह रहा है कि बियर जो होता है, एक बियर एक स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इसका मेजर जो पार्ट होता है मेजोरिटी द इंटायर पॉन्डिंग इज अचीव्ड बाय राइट क्रिस्ट। जो राइट क्रिस्ट रहता है उस पर राइट क्रिस्ट पे जो होता है मेजर इसका काम होता है वाटर स्टोरेज का, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ जो स्मॉल पार्ट इसका स्टोरेज का वो कहाँ होता है, नेल पार्ट में। स्मॉल
स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो नेल पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो जाए, टेल पार्ट बोले या नील पार्ट बोले, नील पार्ट जो हो गया उस पार्ट में स्मॉलर पार्ट रहता है बटर स्टोरेज का। तो ये मेरा सही हो गया, ये मेरा सही है, क्योंकि मेजर जो रहता है क्रिस्ट लेवल पे होता है और मिनिमम जो होता है, अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेजर जो हो गया इस तरह से रहता और माइनर जो होगा टेल लेवल में इधर रहता। नेक्स्ट पार्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ए बियर इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाई कंस्ट्रक्टिंग द विड्थ ऑफ द चैनल ओनली। ये कह रहा है कि बियर इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट मेड बाई ए कंसिस्टिंग द विड्थ ऑफ द चैम्बर चैनल ओनली, सिर्फ विड्थ से बनता चैनल का, सिर्फ विड्थ से नहीं बनता तो ये गलत ओनली नहीं होगा। ए बैराज इज ए, नेक्स्ट है, ए बैराज इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाई क्रिएटिंग ए चॉकिंग कंडीशन ओनली। बैराज कब बनता है, जब चॉकिंग कंडीशन में रहता, तो ये सिर्फ चॉकिंग कंडीशन में रहता तो नहीं रहता, इसमें ओनली है, इसमें ये भी गलत हो गया, सिर्फ मेरा पी सही है। नेक्स्ट है, ए बैराज इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी ऑफ द इंटायर पॉन्डिंग इज अचीव बाई द शटर, जो मेजोरिटी पार्ट जो है उसको कौन से शटर में, एंड अ स्मॉलर पार्ट और नील पार्ट बाय द राज क्रिस्ट, जो क्रिस्ट राज करता है उससे नील पार्ट होता है और मेजर जो होता है वो कहाँ होता है, मेजर जो होता है वो क्रिस्ट लेवल जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है इंटायर पॉन्डिंग, जो क्रिस्ट लेवल पे होता है। तो इस ये भी सही है मेरा और पी सही था, दोनों का डिफिनीशन मेरा बैराज और बियर का सही है, बियर का डिफिनीशन पी में सही है और बैराज का डिफिनीशन मेरा एस में सही है, तो पी और एस मेरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पी और एस मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड, सिल्ट एक्सक्लूडर जो है आर कंस्ट्रक्टेड वाइल सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड, सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड वाइल सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि सिल्ट एक्सक्लूडर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और सिल्ट इजेक्टर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिवर बेड पे कौन होता है, अगर रिवर बेड पे देखा जाए तो रिवर बेड पे एक्सक्लूडर या सिल्ट एक्सक्लूडर है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऑन द रिवर बेड सही है, ऑन द डाइवर्जन हेड, डाइवर्जन हेड पे इजेक्टर नहीं किया जाता, एक तो सही है बट ये गलत है, ऑन द रिवर बेड, ऑन द बेड सही है, जो एक्सक्लूडर होता है रिवर बेड पे, ऑन द ऑफ टेकिंग चैनल, जो ऑफ टेकिंग चैनल हो गया वहाँ पे हम लोग इजेक्टर प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से मेरा बी सही हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डिस्चार्ज दैट रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट, कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट, किसी लिमिट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट रहता है, वो पूछ रहा है इसमें से डिस्चार्ज जो है कौन सा जो है, इसमें से जो डिस्चार्ज है वो कॉन्स्टेंट रहा है विद इन लिमिट। तो नॉन मॉडलर, सेमी मॉडलर फ्लेक्सिबल होता है, सेमी मॉडलर, नॉन मॉडलर, सेमी मॉडलर, मॉडलर ऑर्डर, मॉडलर ऑर्डर जो होता है वो फिक्स होता है या कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, इसमें डिस्चार्ज होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट है, वाट आर वेट बार, वेट बार किसको कहते हैं वो पूछ रहा है, वाट आर वेट बार, डिफरेंस दे आर आयरन रड प्लेस्ड ऑन द वेड ऑफ कनाल टू इंश्योर स्मूथ फ्लो इन द कनाल। ऑप्शन देख लेते हैं, दे आर स्मॉल सेडिमेंट आइसलैंड लाइक डिपॉजिट फॉर्म ऑन द बेड ऑफ द कनाल, ये भी नहीं हो सकता। दे आर कंस्ट्रक्टेड एट द सुटेबल इंटरवल अलोंग एन इनलैंड कनाल सो एज टू सर्व एज परमानेंट रिफरेंस मार्क्स, दे आर वेरी लार्ज आइसलैंड फॉर्म ऑन द बेड, दे आर वेरी लार्ज आइसलैंड, जो बेड बार जो होता है वो वेरी लार्ज आइसलैंड होता है, कहाँ फॉर्म होता है, बेड ऑफ रिवर पे, इसको एग्जैक्ट आंसर ये नहीं, ये वेड ऑफ वार्ड में ये तो आइसलैंड तो हो नहीं सकते, अगर सॉरी ये दे आर कंस्ट्रक्टेड एट द सुटेबल इंटरवल, कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सुटेबल इंटरवल अलोंग द अनलैंड कनाल सो दैट सर्व एज द परमानेंट रेफरेंस मार्क्स, परमानेंट रेफरेंस नाम को ये सी एग्जैक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एज्यूमिंग 80% एफिशिएंसी 100 मीटर क्यू पर सेकंड ऑफ डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज एंड 100 मीटर ऑफ द डिजाइन हेड व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस जितना पावर इसमें प्रोड्यूस होगा वो पूछ रहा है। तो पावर प्रोड्यूस के हम लोग जानते हैं पावर का डिफिनेशन क्या होता है, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक पावर का, पावर होता है रो क्यू जी एच, रो क्यू जी एच ये टोटल पावर होता है, बट उसका एफिशिएंसी कितना 80% है, तो जो इफेक्टिव पावर जो इसमें हो जाएगा, इफेक्टिव पावर इसमें हो जाएगा, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इसमें आंसर, तो 0.8 into rho g h into q सारा मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 × 10⁻⁷ वाट आ रहा है, 8 × 10⁻⁷ वाट, दैट इज सी। नेक्स्ट है पी परसेंट ऑफ अर्थन डैम, पी परसेंट ऑफ अर्थन डैम फेलवर आर ड्यू टू हाइड्रोलिक फेलवर, तो पी परसेंट जो है किससे फेल हो रहा है, तो हाइड्रोलिक फेलवर हो रहा है। क्यू परसेंट जो हो रहा है किससे फेल हो रहा है, फेलवर आर ड्यू टू सीपेज, सीपेज की वजह से क्यू फेल हो रहा है, क्यू परसेंट। एंड आर परसेंट फेल हो रहा है कैसे, फेलवर आर ड्यू टू स्ट्रक्चर फेलवर, तो स्ट्रक्चर फेलवर आर परसेंट हो रहा है, सीपेज फेलवर क्यू परसेंट हो रहा है, और हाइड्रोलिक फेलवर पी परसेंट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें मतलब अलग अलग परसेंटेज है वो कितना होगा वो पूछ रहा है। लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फेल जो होता है हाइड्रोलिक फेलवर होता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा हो जाएगा, और सबसे कम जो होता है वो स्ट्रक्चर फेलवर होता है, स्ट्रक्चर फेलवर सबसे कम होता है, तो आर मेरा सबसे कम होगा और पी मेरा सबसे ज़्यादा होगा, पी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्यू हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, आर सबसे कम होगा। तो आर सबसे कम देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है और पी सबसे ज़्यादा, तो इस तरह से मेरा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से सही कौन है वो पूछ रहा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द कनाल फ्लो, द कनाल फ्लो बिलो द ड्रेन इन एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट एंड द कनाल फ्लो एवव द ड्रेन इज सुपर पैसेज एंड साइफन। इसका सिंपल सा है क्या हो रहा है कि कनाल जो है फ्लो करा कहाँ, बिलो द ड्रेन मतलब ऊपर में ड्रेन है और नीचे में मेरा कनाल है, तो बोल रहा है इन द एंड साइफन एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट एंड द साइफन एक्वाडक्ट एंड द कनाल फ्लो एबव द ड्रेन इज सुपर पैसेज। इसमें अगर बन रहा है तो ऐसा में कभी भी एक्वाडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये कभी भी एक्वाडक्ट नहीं बनेगा, कह रहा है कि द कनाल फ्लो ना, इसको बोलते हैं एक्वाडक्ट, ये एक्वाडक्ट नहीं होगा, ये क्या होता है, ये सुपर पैसेज होता है, अगर इसका बेड लेवल इसको टच नहीं करता तो ये सुपर पैसेज होता है या कनाल साइफन होता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द ड्रेन फ्लो बिलो द कनाल, मतलब ऊपर अभी कनाल है और नीचे में ड्रेन है, तो बोल रहा है इन कनाल बिलो द कनाल इज एक्वाडक्ट, तब इसको एक्वाडक्ट फॉर्मेशन होगा, सही है, जब कनाल ऊपर है और ड्रेन नीचे है तो जो अगर सिंपल पास कर रहा है फ्लो लेवल इसका टच नहीं कर रहा है, फ्लो लेवल कनाल का, अगर ड्रेन का हाई फ्लड लेवल टच नहीं कर रहा है बेड लेवल ऑफ कनाल का तो एक्वाडक्ट बनता है, और अगर इसका हाई फ्लड लेवल इसका टच करता है इससे ऊपर हो जाता है तो उसको साइफन एक्वाडक्ट कर रहा है, तो यही बोल रहा है द ड्रेन फ्लो बिलो द कनाल इज एक्वाडक्ट एंड द साइफन एक्वाडक्ट एंड द ड्रेन ब्लो फ्लो एवव द कनाल इन सब सुपर पासेज एंड द साइफन एक्वाडक्ट। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर ऊपर में मेरा ड्रेन है और नीचे में मेरा कनाल है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर पासेज, फर्स्ट केस में हम लोग देखे थे सुपर पासेज होता है, तो ये मेरा सही है, दैट इज बी मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मॉडुलर इज, फ्लेक्सिबिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिस्चार्ज, जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डिस्चार्ज एट आउटलेट बराबर होता है, रेशियो होता है फ्लेक्सिबिलिटी डी क्यू बाई डी टी एंड डी क्यू बाई डी टी का, एक होता है आउटलेट पे और एक होता है तो आउटलेट डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं आउटलेट डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेट होता है, डेप्थ ऑफ वाटर डेप्थ में रेट होता है, रेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज द डिस्ट्रीब्यूट मीन्स आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूटिव पर से, मीन्स रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट टू द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूटिव का जो रेशियो होता है डिस्चार्ज का रेट का वही होता है फ्लेक्सिबिलिटी। लेसीमीटर आर यूज टू मेजर, लेसीमीटर किस में यूज होता है, तो लेसीमीटर मेरा यूज करता है किसमें, इवेपो ट्रांसपिरेशन निकालने के लिए, इवेपो ट्रांसपिरेशन निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं लेसीमीटर का। नेक्स्ट है व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ कैचमेंट एरिया एप्लीकेबल फॉर द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ यूज करने के लिए हम लोग जानते हैं लोअर यूनिट, लोअर एरिया कितना होता है 2 किलोमीटर स्क्वायर और अपर कितना होता है 5000 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स 2 किलोमीटर स्क्वायर एंड 5000 किलोमीटर स्क्वायर तक के इसका रेंज होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ एरिया, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड में जो एरिया होता है वो 2 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 5000 किलोमीटर स्क्वायर तक होता है, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर टू 5000 हो गया 2 किलोमीटर हो गया, दैट इज इसका करेक्ट आंसर। बस यूनिट हाइड्रोग्राफ में एरिया का लिमिट हमको याद रखना है 2 से लेकर के 5000 किलोमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड मीटर इज यूज टू रिवर फ्लो मेजरमेंट,
तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा मीटर है जो किसमें यूज होता है, तो रिवर फ्लो मेजरमेंट, जो रिवर का फ्लो है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो पूछ रहा है। तो रिवर फ्लो मेजरमेंट के लिए कौन सा होता है, एक्वास्टिक डॉपलर वेलोसिटी मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी मीटर एंड पैजमी करेंट मीटर। तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव तीनों जो है यूज किया जाता है रिवर फ्लो मेजरमेंट के लिए, जो रिवर का फ्लो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए तीनों तरह का जो मीटर है उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चैनल फ्लो रूटिंग, चैनल फ्लो रूटिंग के लिए, चैनल फ्लो रूटिंग जो होता है उसमें कौन सा यूज होता है। तो चैनल फ्लो रूटिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है मस्किंगम मेथड, मस्किंगम मेथड जो होता है सबसे बेस्ट होता है चैनल फ्लो रूटिंग के लिए, चैनल फ्लो रूटिंग है तो मस्किंगम मेथड। डेट इज डी। नेक्स्ट है वाइल फाइंड द डेल्टा फॉर द क्रॉप, डेल्टा निकालने बोल रहा है क्रॉप में, द ड्यूटी, ड्यूटी दिया हुआ है 1728 हेक्टेयर पर क्यूमिक ऑन द फील्ड, द बेस पीरियड 240 डेज। तो लोग जानते हैं कि डेल्टा बराबर डिफिनेशन क्या होता है, 864 बी डिवाइड बाई डी। और डेल्टा अगर ये 864 लिए हैं तो ये मेरा कितना में आएगा, ये सेंटीमीटर में डायमेंशन इसका आएगा, सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको देख रहे हैं तो कितना आ रहा, तो मेरा 120 सेंटीमीटर आ रहा। दैट इज सी। नेक्स्ट है ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला इज यूज, ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला किस में यूज होता है। तो ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला जो है पूछ रहा है किस में यूज होता है, वो पूछ रहा है। ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला जो है हम लोग जानते हैं कि इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस निकालने के लिए ये जो यूज होता है ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला, जो इवेपोट्रांसपिरेशन के जो लॉस है उसको निकालने के लिए यूज होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस निकालने के लिए ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला के यूज किया जाता है, ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला के यूज किया जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस निकालने के लिए। तो इसमें देखिए होता है एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एस्टिमेशन निकालने के लिए नहीं किया जाता है, रिजर्वायर का इवेपोरेशन नहीं होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन दोनों का जो लॉस होता है उसको निकालने के लिए हम लोग ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमसे देख रहे हैं कि पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। यूज होगा क्या इसमें, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ब्लेनरी क्रेडल फार्मूला। नेक्स्ट है इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द रिवर इज 2 मीटर एंड द लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप ऑफ द चैनल, क्या हो रहा है हाइड्रोलिक रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर एंड लॉन्गिट्यूडनल बेड ऑफ स्लोप, चैनल स्लोप दिया हुआ है बेड चैनल का 0.0001, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल ऑन द बेड ऑफ द रिवर। स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल बोल रहा है, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं डी शुड नॉट बी लेस देन 11 RS, रिलेशन जानते हैं डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू, शुड लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना होना चाहिए, 11 RS का होना चाहिए। आर क्या है, तो इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे द स्मॉलेस्ट साइज कितना हो जाएगा, 11 RS जो होगा डी का सबसे स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा 11 RS। तो 11 दिया हुआ है, आर मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और एस का वैल्यू दिया हुआ 1 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 22, दैट मीन्स अबाउट 2.3 आएगा mm में, 2.3। सिंपल इसमें फॉर्मूला ये लगाना था डी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 11 RS, दैट इज बी। नेक्स्ट है ए नेचुरल रिवर इज कन्वेइंग ए फ्लो ऑफ 2500 क्यूमिक, एक नेचुरल रिवर है कन्वेइंग है फॉर 2500 क्यूमिक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बेटेड पेरीमीटर, बेटेड पेरीमीटर पूछ रहा है उसका कितना होगा। तो बेटेड पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या होता है, 4.75 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, क्यू दिया हुआ मेरा 2500, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.75 अंडर स्क्वायर रूट 2500, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है मेरा 237.5, दैट इज सी। नेक्स्ट है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉमनली यूज फॉर स्पेसिंग, मैथमेटिकल रिलेशन पूछ रहा है कि इसमें स्पेसिंग डिजाइन ऑफ द टाइल ड्रेनेज सिस्टम, टाइल ड्रेनेज सिस्टम जो रिलेशन होता है हम लोग जानते हैं कि टिल जो होता है, टाइल जो होता है ड्रेनेज सिस्टम में वो कितना होता है, अगर इसका वैल्यू देखा जाए, इसका वैल्यू देखा जाए तो टिल होता है वो कितना होता है 4K/Q a² - b² तो टिल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका, प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को किसने दिया था उसी के नाम पे ही है, तो इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं,
इसको हुगोट इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन है मेरा 4k डिवाइड बाई क्यू अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके निकालने के लिए, टिल ऑफ ड्रेनेज निकालने, या स्पेसिंग निकालने के लिए है, स्पेसिंग निकालने के लिए है। तो टिल ड्रेनेज का जो स्पेसिंग होता है, तो ड्रेनेज का जो स्पेसिंग होता है उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है स्पेसिंग निकालने का। तो जो स्पेसिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पर स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी के। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 4k क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हुगोट इक्वेशन बोलते हैं, हुगोट इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बोल रहा था कि जो स्पेसिंग होता है डिजाइन में, किसमें, टिल ड्रेनेज का डिजाइन में, तो उसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, तो हुगोट इक्वेशन बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 4k क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस बराबर। नेक्स्ट है, द ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज्ड बाय, ग्राउंड वाटर फ्लो जो होता है किसके द्वारा एनालाइज किया जाता है, ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज्ड बाय। तो ग्राउंड वाटर फ्लो जो होता है वो डार्सी लॉ के द्वारा एनालाइज किया जाता है, डार्सी लॉ के द्वारा एनालाइज किया जाता है, डेट इज ए। नेक्स्ट है, गिवन डी मिनिमम इज इक्वल टू एवरेज पार्टिकल साइज इन mm, लेसिस सिल्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड। लेसिस सिल्ट फैक्टर लोग जानते हैं, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, 1.76 अंडर स्क्वायर रूट डी मिनिमम। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए सिल्ट फैक्टर का, तो एफ इज इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू होता है 1.76। अगर एफ इज इक्वल टू एग्जैक्ट देखा जाए तो 1.76 अंडर स्क्वायर रूट डी मिनिमम होता है, 1.76 डी मिनिमम। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ, बट कुछ कुछ बुक जो है, कुछ बुक है, दो बुक 1.75 भी इसका देता है, 1.75 डी मिनिमम। यूपीएससी ने भी इसका आंसर यही माना है 1.75 डी मिनिमम, बट एग्जैक्ट इसका जो आंसर होना चाहिए था 1.76 डी मिनिमम होता, 1.76 डी मिनिमम। बट आंसर नहीं है तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो कुछ बुक के अकॉर्डिंग जो है उसमें दिया हुआ 1.75 भी, तो 1.75 इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट है, अर्मोरिंग इज डिफाइंड एज, तो अर्मोरिंग जो होता है, अर्मोरिंग जो होता है उसको क्या डिफाइन करते हैं वो पूछ रहा है। अर्मोरिंग जो होता है वो क्या डिफाइन करता है, तो अर्मोरिंग मीन्स होता है कवरिंग, किसी एक चीज़ को कवर करना, अर्मोरिंग मीन्स होता है कवरिंग देना। जैसे कोई होटल में किसी एक जो कवर किया जाता है, कवरिंग, अर्मोरिंग मीन्स होता है कवरिंग, किसी चीज़ को कवर करना। ठीक है, कवर करना, जैसे कोई बटल में जो युद्ध हो रहा है तो बॉडी को, इस मान लीजिए बॉडी को किसी दूसरे द्वारा कवर किया जाता है, उसी को अर्मोरिंग बोलते हैं, अर्मोरिंग बोलते हैं। तो होता है अर्मोरिंग में से होता है कवरिंग, कवरिंग ऑफ पार्टिकल, या कवरिंग या प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना या कवर करना, कवर करना या प्रोटेक्ट करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, अर्मोरिंग इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथिंग द एम्बैकमेंट ऑफ रिवर, रिवर की एम्बैकमेंट को स्ट्रेंथ करना, एम्बैकमेंट को नहीं, द प्रोसेस ऑफ सैंड डिपोजिशन ऑन द रिवर बेड, द प्रोसेस ऑफ सैंड डिपोजिशन, डिपोजिशन नहीं हो गया, द प्रोसेस ऑफ बैंक इरोजन, इरोजन नहीं होगा क्योंकि वो कवरिंग द मटेरियल स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए स्मॉलर साइज पार्टिकल फ्रॉम रिवर बेड सरफेस लिविंग ओनली द लार्जर साइज पार्टिकल ड्यूरिंग द सेडिमेंट, जो स्मॉल पार्टिकल होता है जो ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको लार्ज पार्टिकल से बचाने के लिए उसको सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, इसी को हम लोग अर्मोरिंग कहते हैं। जैसे अर्मोरिंग में होता है कवर, किसी छोटे चीज़ को कवर करना, या बैटल में किसी बॉडी को कवर करना, जैसे युद्ध हो रहा है उस समय बॉडी को कवर करने के लिए जो बड यूज किया जाता है उसको अर्मोरिंग बोलते हैं, या कवरिंग बोलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ए जनरल मोबाइल बाउंड्री चैनल कैन बी कंसीडर टू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मोबाइल बाउंड्री चैनल है उसमें कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो पूछ रहा है। मोबाइल बाउंड्री फ्रीडम, मोबाइल बाउंड्री चैनल में देख लेते हैं कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड विड्थ, साइड स्लोप एंड लॉन्गिट्यूडनल। डेप्थ ऑफ फ्लो तो होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेड विड्थ भी होगा, साइड स्लोप नहीं होगा, साइड स्लोप इसमें नहीं होता है मोबाइल बाउंड्री में। डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड विड्थ, फिर इसमें साइड स्लोप नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, फिर यूनिफॉर्म होगा। डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड विड्थ, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड वैलीफॉर्म। तो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, बेड विड्थ होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा, साइड स्लोप छोड़ करके बाकी सब होगा। तो इस तरह से जो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा जाए मोबाइल बाउंड्री में, तो कौन सा होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड विड्थ, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जहाँ पर वो फ्री मूव कर सके या डिस्प्लेस हो सके, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अक्रॉस वो डिस्प्लेस हो सके, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या
डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके आप हम फ्रीली मूव कर सकें। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा सी से, इसमें साइड स्लोप में वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करने बोला मोर करेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें से एग्जैक्ट करेक्ट कौन सा है वो पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू, अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक इनर्जी इक्वेशन, एंड सिक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स। लोग जानते हैं कि अल्टरनेट डेप्थ कब होता है, जब स्पेसिफिक इनर्जी सेम हो जाए। जब इनर्जी सेम हो जाता है, दो डेप्थ के बीच जो स्पेसिफिक इनर्जी होता है वो सेम होता है, तो उस डेप्थ को हम लोग स्पेसिफिक अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। जहाँ पे अगर E1 बराबर E2 हो जाए, इस डेप्थ पे E1 बराबर E2 हो जाए, या Y1 Y2 दो डेप्थ है, दोनों डेप्थ बराबर हो जाए इनर्जी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। और जिस डेप्थ पे फोर्स इक्वल हो जाए, उसको हम लोग कंजुगेट डेप्थ कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक इनर्जी इक्वेशन, एंड द सिक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन। तो सही हो गया मेरा, यहीं से सही हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से पूछ रहा है फिर से इसमें करेक्ट कौन सा है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक इनर्जी इज मिनिमम एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज। जो क्रिटिकल फ्लो होता है, क्रिटिकल फ्लो के लिए पूछ रहा है। क्रिटिकल फ्लो में तो हम लोग जानते हैं क्रिटिकल फ्लो पे क्या होता है, ई मिनिमम होता है। इसे इसका ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ये जो हो गया मिनिमम स्पेसिफिक इनर्जी, इसी डेप्थ को हम लोग क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं, इस डेप्थ को हम लोग क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। तो एट द क्रिटिकल डेप्थ थ्रू चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक इनर्जी इज मिनिमम, इस पॉइंट पे जो अगर इनर्जी देखा जाए तो मिनिमम होता है, इनर्जी मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसे अगला सेंटेंस है, द स्पेसिफिक इनर्जी इज मिनिमम एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज। इस डिस्चार्ज पे जो फोर्स होगा वो भी मिनिमम होता है, मीन्स फोर्स जो होता है वो मिनिमम होता है। दोनों को हम लोग बायसी कहते हैं, जिस डेप्थ पे इनर्जी मिनिमम और फोर्स मिनिमम हो, उस डेप्थ को हम लोग क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं। और जिस डेप्थ पे इनर्जी सेम हो उस डेप्थ को अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं, और जिस डेप्थ पे फोर्स सेम हो उस डेप्थ को हम लोग कंजुगेट डेप्थ कहते हैं। तो यहाँ से देख लिए कि मेरा ये सही हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो का क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, इसमें से क्या होता है। यूनिफॉर्म फ्लो करने का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ द इनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ द वाटर सर्फेस लाइन एंड स्लोप ऑफ द चैनल बेड, ये नॉट इक्वल दिया हुआ है। नॉट इक्वल नहीं होगा, दोनों इक्वल होता है। मीन्स देखा जाए तो स्लोप ऑफ इनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ वाटर लाइन, स्लोप ऑफ वाटर सर्फेस लाइन एंड स्लोप ऑफ बेड सर्फेस, तीनों जो होगा एक दूसरे को पैरल होता है, दोनों बराबर होता है तीनों का स्लोप, तो कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म फ्लो होता है। देख लेते हैं तीनों में बराबर किस में है। स्लोप ऑफ द इनर्जी लाइन बराबर स्लोप ऑफ इनर्जी लाइन एंड द स्लोप ऑफ द वाटर सर्फेस स्लोप ऑफ द चैनल बेड, ये साइन इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल का इन्फिनेटली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट है, स्लोप ऑफ द इनर्जी लाइन बराबर स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस लाइन बराबर स्लोप ऑफ द चैनल लाइन कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट होता है, ये गलत, कांस्टेंट नहीं होता, तीनों बराबर होता। बराबर देख लेते हैं, स्लोप ऑफ द इनर्जी लाइन बराबर है किसका, स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस लाइन, स्लोप ऑफ द बेड, तीनों इक्वल है। यहाँ पे कह सकते हैं एग्जैक्ट मेरा यूनिफॉर्म के लिए तीनों इक्वल हो जाता है स्लोप। नेक्स्ट है, फॉर एन ओपन रेक्टेंगुलर चैनल द फ्लोर नंबर एट क्रिटिकल फ्लोर। क्रिटिकल फ्लोर पे फ्लोर नंबर का वैल्यू कितना होता है, फ्लोर नंबर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, बी डिवाइड बाई जी इंटू डी। अगर रेक्टेंगुलर फ्लोर में देखा जाए तो डी कितना हो जाता है मेरा, डी कितना हो जाता है, वो बाई हो जाता है। जी जो डेप्थ होता है फ्लोर का वो कितना हो जाता है, बाई हो जाता है। पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर जो किसी, लेकिन एक दूसरा कंडीशन है कि क्रिटिकल फ्लो के लिए जो एफ का जो वैल्यू होता है ऑलवेज वन होता है, ठीक है। क्रिटिकल फ्लो के लिए एफ का जो वैल्यू होगा ऑलवेज वन होगा, और यही अगर सब क्रिटिकल रहता सब क्रिटिकल में क्या होता है, एफ का लेस देन वन रहे, ये हो गया क्रिटिकल। अगर लेस देन वन हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल, और अगर एफ ग्रेटर देन वन हो गया तो क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल। एफ अगर ग्रेटर देन वन हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, उसको सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। तो इस तरह से तीनों यहाँ पे क्रिटिकल ही बोला था, क्रिटिकल मेरा
सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैविंग बेड विड्थ 2 मीटर इज लैड एट द बेड स्लोप 0.0009 एंड कैरीज ए फ्लो ऑफ 10 क्यूमिक, व्हाट इट्स नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। सो पूछ रहा है कि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो कितना होगा। अगर नॉर्मल डेप्थ निकालना है इसको, व्हाट इट्स नॉर्मल डेप्थ, सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ निकालते हैं। क्रिटिकल डेप्थ इसको निकालते हैं, क्रिटिकल डेप्थ कितना होता है रेक्टेंगुलर चैनल में। क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1/3। क्रिटिकल डेप्थ का निकाल लेंगे, उसके बाद इसका रिलेशन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद इसका देखते हैं कि इसका अल्टरनेट डेप्थ कितना आता है। क्या कर रहा है, इट नीड्स कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का जरूरत तो पड़ेगा ही, ऐसा तो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, मनी डाटा मिसिंग इन द प्रॉब्लम, डाटा मिसिंग नहीं है निकल सकता। तो प्रॉब्लम स्टेट इज रॉन्ग, प्रॉब्लम गलत नहीं है। यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट। यहाँ से बाई सी का निकालेंगे और बाई वन निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को देख रहे हैं कंपेयर करेंगे, तो जो एक्जेक्ट आंसर आएगा वो आ रहा था फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द चैनल। यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो अभी हम लोग देखे थे, यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, स्लोप जो होता है बेड स्लोप, फ्लो स्लोप जो होता है वो सेम हो जाता है। स्लोप एनर्जी लाइन का स्लोप, बेड का स्लोप और वाटर फ्लो, वाटर सरफेस का जो स्लोप है वो तीनों इक्वल हो जाता है, तो उसको यूनिफॉर्म स्लोप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं आ रहा, तो कह सकते हैं कि डी इसका एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्मूला पूछा था इक्वेशन ऑफ रिलेशन द पोस्ट हाइड्रोलिक जंप द डेप्थ फ्रॉम रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय। ये डेप्थ पूछ रहा है या डेप्थ पूछ रहा या फिर एक फॉर्मूला का ऑप्शन दिया हुआ। फॉर्मूला जो इसका होता है सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बाई वन डिवाइड बाई बाई टू, बाई वन बाई टू का जो वैल्यू होता है माइनस बाई वन बाई टू का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, माइनस वन बाई टू, वन माइनस कर सकते हैं बार में या फिर बाई वन बाई टू अंडर स्क्वायर में जो वन प्लस और एफ वन, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है तो ऊपर में भी टू होगा, यहाँ पर टू है तो यहाँ पर वन नहीं होगा, दोनों दोनों सेम होता है। बाई वन ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये माइनस में होता है, माइनस माइनस बी प्लस माइनस या वन प्लस एट एफ वन स्क्वायर होता है, दैट इज जो करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। फॉर्मूला ये बाई टू बाई बाई वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर स्क्वायर रूट वन प्लस एट एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इसको कहीं कहीं पे आपको मिला रहेगा, वन बाई टू माइनस वन प्लस अंडर स्क्वायर रूट समथिंग होता है। ये इसे इसी का ब्रेक करेंगे तो उस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल फॉर्म में इसका लिखा हुआ रहता है वन बाई टू माइनस वन प्लस अंडर स्क्वायर रूट वन प्लस एट एफ आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका इक्वेशन जो हो गया डी हो गया करेक्ट आंसर, वन वन दट इज डी। नेक्स्ट है, सिर्फ फार्मूला था ये, फार्मूला पे से अगर याद रहेगा तो फार्मूला पे ही सिर्फ था, फार्मूला पूछ रहा था ये। नेक्स्ट है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन इज एक्सप्रेस, जो इक्वेशन फिर से फार्मूला ही पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइड बाई वन माइनस एफ का आर स्क्वायर, अल्फा नहीं होता है इसमें, एफ का आर स्क्वायर, एफ अल्फा नीचे भी माइनस ही होता है, एस एफ एस एफ एस नॉट जो होता है जो फॉर्मूला इसका होता है, स्लोप बेड स्लोप माइनस फ्लो स्लोप डिवाइड बाई वन माइनस एफ आर का स्क्वायर, एफ आर का स्क्वायर। तो एस नॉट एस एफ डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स सही है, डी वाई बाई डी एक्स दो में, ये दोनों तो गलत हो गया। और दूसरा क्या होता है, एस बेड स्लोप जो होता है ज़्यादा होता है, मीन्स एस नॉट माइनस एस एफ होता है, तो एस नॉट माइनस एफ इसमें दिया हुआ, दैट इज एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू। नेक्स्ट है, इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल, फिर से फॉर्मूला ही पूछा है सिर्फ, क्रिटिकल फ्लो का डिफिनेशन क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई टी इक्वल, इक्वेशन सिंपल होता है, इक्वेशन क्या होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई टी। ये किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में किसी भी शेप का, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, ट्रेपेजॉइडल हो, किसी भी शेप का कोई भी ओपन चैनल में जो चैनल है किसी भी फ्लो का, तो क्रिटिकल डेप्थ निकालने के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग ये यूज करते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई टी, ए एरिया हो गया, टी टॉप बिर्थ हो गया, क्यू डिस्चार्ज हो गया, जी एक्सेलरेशन इन टू ग्रेविटी हो गया। इसमें से अगर सोल्व करेंगे इसको लाएंगे तो क्यू स्क्वायर बाई जी ए क्यू डिवाइड बाई टी, तो एग्जैक्ट आंसर मेरा ये हो जाएगा, फॉर्मूला सेफ था। नेक्स्ट है, द मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन, इसमें से पूछ रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा। इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जिसका पेरीमीटर जो हो वो मिनिमम हो, पेरीमीटर मिनिमम हो और डिस्चार्ज मैक्सिमम हो।
डिस्चार्ज मैक्सिमम और पेरीमीटर मिनिमम। इकोनॉमिक उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन जिसका डिस्चार्ज मैक्सिमम हो, हैविंग मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी से कंपेयर नहीं करता, हैविंग मिनिमम वेटेड पेरीमीटर फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। सही है, तो दोनों वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर अगर डिस्चार्ज रहता तो मैक्सिमम कह सकते थे, मैक्सिमम डिस्चार्ज, बट है नहीं तो सिर्फ बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विड्थ ऑफ द कैरेज वे रिकमेंडेड बाई IRC फॉर टू लेन। जो विड्थ पूछ रहा है किसका, कैरेज वे का IRC के अकॉर्डिंग टू लेन का, तो टू लेन का कितना होता है उसका अगर विड्थ देखा जाए, टू लेन का पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू IRC इसका वैल्यू कितना होता है, तो 7.5 होता है। अगर सिंगल लेन का देखा था तो 3.75 होता है। ये अगर मल्टी लेन रहे, मल्टी लेन रहे मीन्स 3 से ज़्यादा हो जाए, तो एक जो लेन का वैल्यू होता है उसमें 3.5 मीटर हो जाता है। मल्टी लेन के केस में एक लेन का जो डायमेंशन हो जाता है, विड्थ हो जाता है, 3.5 मीटर होता है, पर टू लेन का तो एक लेन का जो डायमेंशन होता है 3.75 होता है। इस तरह से टोनो लेन का अगर दो लेन का देखा जाए विड्थ कितना हो जाएगा, टू लेन का देखा जाए 3.75 इंटू टू कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 7.5 मीटर, दैट इज सेम। नेक्स्ट है, वेल अलाइनिंग ए रोड इन ए हिली एरिया विथ रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है मेरा 6.5, ए हॉरिजेंटल कर्व ऑफ द रेडियस 60 मीटर इज रिकमेंडेड फ्रॉम द कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट। कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट पूछ रहा है इसमें से कितना होगा कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट। कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट निकालने के लिए हमको पहले ग्रेड कॉम्पेंसेशन निकालना पड़ेगा कि ग्रेड कितना कॉम्पेंसेशन करेंगे। ग्रेड कॉम्पेंसेशन कितना होता है, 75 डिवाइड बाई आर या 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर, इसमें से जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू कहते हैं। मतलब ग्रेड कॉम्पेंसेशन जो होता है, अगर ग्रेड कॉम्पेंसेशन निकाला जाए तो 75 डिवाइड बाई आर या 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर, इसमें से जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू देते हैं। तो आर का जो वैल्यू दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, यहाँ पर 60 डालेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसको 60 करेंगे, 60 प्लस 30 90 बाई 60 सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, दोनों का जो मिनिमम आ रहा है कितना आ रहा है मेरा 1.25 आ रहा है, 1.25%। तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन का वैल्यू आ गया मेरा 1.25%। तो इसमें क्या पूछा था, कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट पूछ रहा था। कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट जब ग्रेडियंट देवा मेरा 6.5% और GC मेरा कितना आ गया 1.2%, तो 1.25% घट सब्रैक्ट कर देंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 5.25%, दैट इज बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द PCU वैल्यू, पैसेंजर कार यूनिट होता है PCU का मतलब, व्हाट इज द PCU वैल्यू फॉर ए बल्क कार्ट के लिए उसका PCU का वैल्यू कितना होता है। बल्क कार्ट के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है 8 होता है सबसे ज़्यादा। अगर हॉर्स कार्ट रहता तो हॉर्स कार्ट के लिए कितना होता है 4 होता है। बल्क कार्ट के लिए सबसे ज़्यादा होता है वो 8 होता है। नेक्स्ट है, ऑन पासेस ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल विथ 3 टाइम्स द स्टैंडर्ड लोड विथ कॉज डैमेज इक्वलेंट टू एन पासेस ऑफ द स्टैंडर्ड लोड, हियर एन इज द, पूछ रहा कि ऑन द पासेस ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल, किसी ओवरलोडेड 3 टाइम्स द स्टैंडर्ड लोडेड विल कॉज डैमेज इक्वलेंट टू एन पासेज, इक्वलेंट डैमेज एन हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि द एन पासेज ऑफ द स्टैंडर्ड लोड वेयर एन इज द, एन कितना हो जाएगा तो एन 381 हो जाएगा, एन जो होगा वो 81 हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन ए सर्कुलर लोड ऑफ रेडियस ए विथ यूनिफॉर्म प्रेशर पी इट्स अप्लाइड इन द सर्फेस ऑफ द होमोजीनियस लेयर द वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड अंडर द सेंटर ऑफ द लोड डेप्थ जेड इज गिवन बाई, फॉर्मूला पूछ रहा है वर्टिकल स्ट्रेस का। वर्टिकल स्ट्रेस किसी डेप्थ जेड पे, जब उसका रेडियस ए है डेप्थ जेड है, उस समय किसका सर्कुलर, एक सर्कुलर लोड दिया हुआ, एक सर्कुलर लोड है, ये रेडियस मेरा ए दिया हुआ, किसी डेप्थ मान लीजिए डेप्थ जेड है उस पर पूछ रहा है, इसका जो पूछ रहा है कि इसका जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, द वर्टिकल स्ट्रेस पूछ रहा है जेड डायरेक्शन मतलब जेड पॉइंट पे। अगर इसका देखा जाता है सिंपल से होता है क्या, 1 माइनस कोस क्यू थीटा इंटू क्यू होता है। अगर वर्टिकल स्ट्रेस जेड पॉइंट पर देखा जाए तो क्यू 1 माइनस कोस क्यू थीटा। दूसरा है इसमें फॉर्मूला जो होता है, अगर दूसरा फार्मूला देखा जाए तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है वो पी 1 माइनस जेड क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 ये होता है। दूसरा एक इसका एक और फार्मूला क्या होता है वो कितना बताएं, वो होता है
क्यू वन माइनस कोस क्यू थीटा, ये सर्कुलर केस के लिए होता है, क्यू वन माइनस कोस क्यू थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, ये मेरा रेडियस था, ये मेरा जेड है, ये डेप्थ जो है ये मेरा थीटा का वैल्यू हो गया, ये मेरा ए है, ये मेरा जेड है, इसे निकाल सकते हैं कोस क्यू थीटा का वैल्यू। उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा डायरेक्ट फार्मूला है, ये अगर याद है तो इसे निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा फार्मूला मेरा है वन माइनस कोस क्यू थीटा। नेक्स्ट है द बेसिक कैपेसिटी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बेसिक कैपेसिटी पॉसिबल कैपेसिटी ट्रैफिक फ्लो। अच्छा इक्वेशन दिया हुआ, बेसिक कैपेसिटी पॉसिबल कैपेसिटी एंड ट्रैफिक फ्लो, इट इज़ द मैक्सिमम। अच्छा डिफिनीशन दिया हुआ है बेसिक कैपेसिटी का, बेसिक कैपेसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास गिवन पॉइंट ऑन द लेन रोडवे ड्यूरिंग एन आवर अंडर प्रेवलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। तो ये किसका डिफिनीशन है, ट्रैफिक फ्लो हो गया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो होता है फ्लो कर रहा है गिवन डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रैफिक फ्लो, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहा है, कहाँ से व्हीकल दैट कैन पास गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पे ऑन ए लेन रोड वे ड्यूरिंग वन आवर अंडर प्रेवलिंग रोड वे, वन आवर में कितना पास कर रहा है वो है, इसको क्या बोलते हैं, तो कैपेसिटी बोलते हैं, कौन सा पॉसिबल कितना हो सकता है, पॉसिबल कैपेसिटी, दैट इज पॉसिबल कैपेसिटी इसका आर हो गया। नेक्स्ट इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन ए गिवन लेन रोडवे दैट पास ए गिवन पॉइंट और क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट टाइम। एक स्पेशल टाइम में अगर देखा जाए किसी एक टाइम में तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ट्रैफिक फ्लो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक फ्लो कहते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन द लेन रोडवे ड्यूरिंग वन आवर अंडर नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। आइडियल रोडवे हो और ट्रैफिक कंडीशन हो दैन कैन बी पॉसिबल अटेंड, इसको बोलते हैं बेसिक कैपेसिटी। ठीक हो गया, अगर आइडियल कंडीशन हो, ठीक है आइडियल कंडीशन दिया हुआ है रोड का और ट्रैफिक का, तो उस समय जो बनता है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेसिक कैपेसिटी। इस तरह से हम लोग देखें बेसिक कैपेसिटी का डिफिनीशन टी हो गया, और पॉसिबल कैपेसिटी कौन सा हो गया, इट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वन आवर में जा रहा है, दैट इज आर हो गया इसका, ट्रैफिक लेन का हो गया मैक्सिमम एनी टाइम यूनिट टाइम में, ये हो गया मेरा एस टी आर एस, एक का टी दो का आर तीन का एस, एक का टी आर एस ए टी आर एस दैट इज सी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग गिव्स द पेनिट्रेशन ग्रेड दिया हुआ है बिटुमेन का बाइंडर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट विस्कोसिटी। अच्छा दे रहा है कि बिटुमेन का पेनिट्रेशन ग्रेड है और उसका विस्कोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि पेनिट्रेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पेनिट्रेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, पेनिट्रेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का। अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम होगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम होगा। तो इसमें रिलेशन देखा जाए तो सबसे कम मेरा यह आ रहा है, ये पेनिट्रेशन इसमें कितना होगा 80 to 100 दिया होता, पेनिट्रेशन कितना हो जाएगा 8 to 10 mm। इसमें अगर पेनिट्रेशन देखा जाए 80 to 100 है तो इसमें 8 to 10 mm पेनिट्रेशन हो जाएगा। इसको विस्कोसिटी कितना होगा सबसे मिनिमम अगर देखा जाए इसमें तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द एग्रीगेट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बीएम बेस कोर्स शैल फुलफिल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो एग्रीगेट यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, द एग्रीगेट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बीएम बेंडिंग मटेरियल बेस कोर्स, बेंडिंग मटेरियल बेस कोर्स सेल्फ फुलफिल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो फुलफिल कर रहा है, तो इसमें से जो प्रॉपर्टीज है वो कितना होना चाहिए बेंडिंग मटेरियल में वो पूछ रहा है इसका प्रॉपर्टी। जैसे लॉस एंगल एब्रेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, एग्रीगेट इंपैक्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए, लॉस एंगल का जो बेंडिंग बीएम में यूज होता है वो कितना हो जाना 40% होना चाहिए, एग्रीगेट का कितना होना चाहिए, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टफनेस निकालने के लिए होता है, टफनेस टेस्ट एब्रेशन हार्डनेस टेस्ट, इसको हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं, एब्रेशन का इम्पैक्ट टेस्ट निकालने के लिए हम लोग इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट करते हैं इम्पैक्ट निकालने के लिए, इसका 30% से ज़्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कंबाइंड फ्लैकनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स, फ्लैकनेस कितना होना चाहिए ये 40% होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है दैट इज 2% वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन जो कि 2% होना चाहिए, और ऑप्शन देखना चाहिए सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन 2% दैट इज डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन दैट पी एस द सेचुरेशन पॉपुलेशन
पी नॉट इज द पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सेचुरेशन पॉइंट हो गया, एट एनी टाइम टी देन द स्टार्टिंग पॉइंट के कॉन्स्टेंट टी टाइम द ईयर्स आफ्टर द स्टार्टिंग पॉइंट द पॉपुलेशन एट द एनी टी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक कर्व मॉडल. लॉजिस्टिक कर्व मॉडल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि पॉपुलेशन एनी टाइम टी पे कितना होगा. लॉजिस्टिक कर्व मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, लॉग पी एस माइनस पी डिवाइड बाई पी, पी एस माइनस पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू माइनस के पी एस टी ये होता है लॉजिस्टिक कर्व मॉडल का. लॉजिस्टिक कर्व मेथड हो गया उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन निकालने का जो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला होता है लॉग पी एस माइनस पी, माइनस में होता है ये, और इधर भी होता है माइनस में माइनस के पी टी, माइनस में होता है माइनस के पी टी. इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा. सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा था इसमें. अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस द मिनिमम टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन फॉर द टाउन ऑन ए सिटी फुलफिल फ्लशिंग सिस्टम, अच्छा विथ फुलफिल फ्लशिंग सिस्टम दिया हुआ है. फुलफिल फ्लशिंग सिस्टम ये बड़े इसमें जोड़ा हुआ है. फुलफिल फ्लशिंग सिस्टम में जो होता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम इसमें होना चाहिए 200 LPCD लिक्विड लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे. फुलफिल अगर है तो उसमें कितना होना चाहिए 200. अगर इसमें इकोनॉमिकली अगर बीकर सेक्शन रहता तो उसमें कितना हो जाता 135. अगर इकोनॉमिकली बीकर सेक्शन में है तो 135 होता है, और फुलफिल कंडीशन में है मीन्स फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए 200 लिक्विड लीटर पर हेड पर कैपिटा हो जाएगा. और इकोनॉमिक बीकर सेक्शन में अगर इकोनॉमिक बीकर सेक्शन में बोलता तो 135 होता है, बट यहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है, फुल फ्लशिंग सिस्टम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा. नेक्स्ट है ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप लिफ्टेड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल आर. जो हैंड ऑपरेटेड पंप है वाटर को लिफ्ट करता है पूरा, कहाँ से, ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल आर. जो हैंड ऑपरेटिंग पंप होता है उसको क्या बोलते हैं, तो जो हैंड ऑपरेटिंग पंप होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं, दैट इज डी. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से आइडेंटिफाई करा द इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर वैरीज फ्रॉम इतना वाइल दैट ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर. अच्छा इसमें पूछ रहा है इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट, हम लोग देख लेते हैं इसका सिंपल सा है कि अगर स्लो सैंड फिल्टर दिया हुआ है तो इसमें जो इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है, इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है स्लो सैंड फिल्टर में वो कितना वैरी करता है, 1.8 से लेकर के 2.5 तक वैरी करता है. और अगर रैपिड सैंड फिल्टर है इसमें जो CU का जो वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट वो कितना होता है 1.3 to 1.7 तक वैरी करता है. मीन्स फर्स्ट में 1.8 to 2.5 स्लो सैंड फिल्टर में ज़्यादा होता है CU का वैल्यू, और रैपिड सैंड फिल्टर में कम होता है. ऑप्शन देख लेते हैं, 2 नहीं होगा, 1.7 तो सही रैपिड सैंड में, 1.2 to 1.5 1.7 to 1.3 ये मेरा एग्जैक्ट सही हो गया. स्लो सैंड फिल्टर में देखा जाए तो जो CU का वैल्यू होता है 1.8 to 2.5, और CU का जो वैल्यू होता है रैपिड सैंड फिल्टर में 1.3 to 1.5, ये रैपिड सैंड फिल्टर में हो गया और ये स्लो सैंड फिल्टर में हो गया, ये पूछ रहा था इसमें. इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट नहीं 50 क्वेश्चन हो गया पूरा. ये BPSC जो AE का एग्ज़ाम हुआ था मार्च में 2022 में, उसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/19 का पेपर नंबर 6 था. इसको हम लोग आज में सॉल्व किए हैं, बाकी जो पेपर है उसको भी सॉल्व करेंगे, इस तरह से पूरा करेंगे ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है 7/20 और 3/20 उसमें हम लोग पूरा, उससे पहले हम लोग पूरा कंप्लीट कर सके प्रीवियस ईयर को.